हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत जो है ध्यान से बच्चों ने देखा और हमें बहुत खुशी है इस बात की। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले वीडियोज़ को भी आप जो है उतना ही प्यार दें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आज का टॉपिक्स। ओके, तो पिछली बार मैंने जो डिस्कस किया था वो किया था चार्जेस यानी आवेशों की गुणधर्मों पर, कि आवेश क्या है, आवेशों का गुणधर्म क्या है ना। तो बुक से ही रिलेटेड चल रहा है, बुक में इधर उधर भी टॉपिक दिए होते हैं और एक टीचर जो होता है उनको पता होता है कि सिस्टेमेटिक कैसे आपको पढ़ाना है। जब हम कह देते हैं कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, उस वक्त आप जब बुक खोल के देखोगे तो आप देखोगे कि सारे सवाल आपसे बन रहे हैं, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो सर ने छुड़वा दी है। ठीक है, तो भरोसा कीजिए, आप जो कुछ आपको पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस का ही पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में चल रहा हूँ। ठीक है ना, इतना एक्सपीरियंस हो गया है जी, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप बस चलते रहिए हमारे साथ। तो कुछ और जो गुणधर्म है आवेशों के वो देख लेते हैं। तो पहला यहां पर मैं देख रहा हूं, कुछ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था, आपको बता दिया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, आवेशों का क्वांटीकरण का नियम, आवेशों का संरक्षण का नियम, आवेशों का स्थानांतरण का नियम, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी। तो अगला होता है आवेशों की निश्चरता, या फिर यहाँ पर ये इनवेरियंस बोलते हैं इसको, यानी आवेश कभी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। तो कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे पिछले लेक्चर में कि आवेश सर निर्देश तंत्र पर कैसे निर्भर नहीं करता था। आई थिंक अब्दुल ने शायद पूछा था कि आवेश जो है वो निर्देश तंत्र पर क्यों नहीं निर्भर करता या कैसे करता है। तो देखिए, निर्देश तंत्र का मतलब ये होता है कि मान लो कि आप एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है जी, और आपके सामने कोई और भी बैठा है और गाड़ी जो है जी चल रही है। ठीक है जी, थोड़ी टेढ़ी होगी, कोई टेंशन नहीं, आगे वाला भारी होगा, पीछे वाला थोड़ा भारी है। ठीक है जी, तो गाड़ी ऐसे चल रही है, तो अब आप यहां खड़े हो, ठीक है, कोई तीसरा आदमी यहां खड़ा है, तो उसके लिए तो आप दोनों ही चल रहे हो। ठीक है जी, इस आदमी के लिए तो आप दोनों चल रहे हो, लेकिन ये आदमी के लिए ये आदमी स्थिर है ना, कि मैं पहला मान लू, ये दूसरा मान लू और ये तीसरा मान लू। ठीक है जी, तो ये पहले वाले आदमी के लिए दूसरा आदमी तो स्थिर है, वो थोड़ी जा रहा, आपके ट्रेन में सामने बैठा आदमी की भग थोड़ी रहा, आपको क्या लगता है कि दोनों स्थिर हो, एक ही जगह बैठे हो, लेकिन तीसरे के लिए आप दोनों चल रहे हो, तीसरे के लिए आपका वेग है और कितना है, जितना इस बस का है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे हो। ठीक है, तो तीन वाले के लिए आप चल रहे हो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, लेकिन एक वाले के लिए आप जो है ये आप है। ठीक है जी, एक वाले के लिए आप स्थिर हो बिल्कुल। ठीक है, तो ये निर्देश तंत्र पर निर्भर करेगा कि किसके रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी आ रही है, लेकिन चार्ज जो है ना जी, ऐसा नहीं यहां पे चार्ज रख दिया तो यहां इस बस में बैठ के भी देखोगे तो भी वो तीन गुलाम ही होगा, और यहां खड़े होके देखोगे तो भी वो तीन गुलाम ही होगा, मतलब जिसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो मान होगा वो वही रहेगा। तो वेग यहां पर निर्भर कर रहा है पर आवेश नहीं करता, तो इस तरह से निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, आप लिफ्ट में चल रहे हो तो लिफ्ट में आपके साथ जो आदमी है उसके रेस्पेक्ट में तो आप कुछ नहीं चल रहे हो, दोनों एक ही जगह खड़े हो। ठीक है ना, बट तीसरे के लिए जो नीचे खड़ा है उसके लिए आप दोनों ऊपर चले गए हो, तो ऐसे निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला है, बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर द्रव्यमान है तो ही आवेश है, द्रव्यमान है तो ही आवेश है, अगर द्रव्यमान ही नहीं है तो भाई साहब आवेश होगा ही नहीं, है ना, कोई चीज ही नहीं है तो आवेश किस पे दे रहे हो। पर बगैर आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, पर बगैर द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता। तो आवेश के लिए क्या जरूरी है, द्रव्यमान जरूरी है। और आगे का आप टर्म पढ़ोगे काफी इंपॉर्टेंट आएगी, उसको बोलते हैं क्यू बाई एम, यानी इसको बोलते हैं आवेश बट्टे द्रव्यमान।
क्या बोलते हैं जी, आवेश बट्टे द्रव्यमान, यानी किसी भी पार्टिकल जो है उसका आवेश और उसके द्रव्यमान का एक अनुपात होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे सवालों में। जब अपन आगे पढ़ेंगे चुंबक के सब पार्ट चैप्टर अध्याय, तो उनमें ये काम आएगा आवेश बट्टा द्रव्यमान का अनुपात। जैसे मैं बात करूं फॉरन एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए बात करूं, तो न्यूट्रॉन के लिए क्यू बट्टे एम क्या होगा? स्क्रीन को 2-5 सेकेंड पॉज करके सोचिए। अगर आपने सोचा है 0, तो बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। तो द्रव्यमान कुछ भी रख लो, न्यूट्रॉन का जो भी द्रव्यमान होता है वो भी रख लोगे तो भी क्या आएगा? 0। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका कुछ न कुछ वैल्यू आएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश रखोगे अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास रखोगे, ठीक है। तो इन सब से आप क्या कर सकते हो? आवेश बटा द्रव्यमान का मान निकाल सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है आवेशों की योज्यता, मतलब आवेशों की योज्यता ये भी एक आपकी प्रॉपर्टी है, ये भी आवेशों का एक गुणधर्म है। तो इसका मतलब है किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या है ऐसे समझिए, एग्जाम्पल से समझो आप लोग। मान लो कि 4 कूलम्ब आवेश है, -3 कूलम्ब आवेश है और -1 कूलम्ब आवेश है इस निकाय के अंदर। ये एक निकाय है आपके पास, ठीक है जी। निकाय का मतलब होता है सिस्टम। अब मुझे कोई पूछे कि क्यू नेट कितना है, क्यू नेट का मतलब टोटल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश इस सिस्टम के अंदर कितना है, तो मैं लिखूंगा बीजगणितीय योग हो सकता है साहब, हमने पढ़ा है योज्यता नियम, तो 4 और यहां पर प्लस का साइन, 4 प्लस, लेकिन आवेश कैसा है, -3 कूलम्ब प्लस -1 कूलम्ब, ठीक है जी। तो इसको जब ऐड करोगे, देखो 4 प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा, यहां पे भी प्लस और माइनस तो क्या आएगा, माइनस, तो आंसर आएगा 0। बिल्कुल सही है जी, 0 ही आना चाहिए। तो बीजगणितीय योग है मतलब साइन के साथ आपको जोड़ देना है, है ना। इसी के अंदर ये अगर ये 4 होता, ये +3 होता, ये +1 होता, तो कुल चार्ज कितना आ जाता, तो 4 + 3 7 + 1 8, है ना। तो आवेशों को क्या है उसके चिन्ह के अनुसार पूरा जोड़ते हैं, तभी आप कुल आवेश लिख सकते हो। आई थिंक ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आवेशों की योज्यता क्या है। आगे अपन पढ़ेंगे गॉस नियम, ठीक है जी। तो ये काम आएगा, आवेशों को जोड़ना पड़ेगा अपने को, तो उनको कैसे जोड़ेंगे, उनके साइन के साथ, उनके चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आवेशन की विधियां, ठीक है। यहां से अपना जो है आज का जो लेक्चर का जो पार्ट है वो यहां से शुरू होता है। ये प्रीवियस कुछ बच्चों के डाउट्स और कुछ सवाल आए थे, इसलिए मैंने कवर कर दिया यहां पर। तो आवेशों, आवेशन की विधियां और कूलम्ब नियम आज जो है अपन पढ़ने वाले हैं। तो अब मुझे बताइए आप कि आवेशन की विद्या मतलब किसी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। आवेशन का मतलब किसी वस्तु को आवेश देना, आवेशन का क्या मतलब होता है, तो आवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को आवेश देना। कोई भी वस्तु है उसको कैसे आवेश देते हैं वो तो उसकी विधि हो जाएगी, और आवेशन का मतलब हो जाएगा कि उसको आवेश देना, ठीक है। अब देखिए, पहला आपके पास होता है घर्षण द्वारा, दूसरा चालन द्वारा और तीसरा प्रेरण द्वारा। ये 3 विधियां हैं जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को जो है आवेश दे सकते हैं। तो आपका बिल्कुल क्लियर होने वाला है, टकटकी लगाते हुए बिल्कुल आपकी नजरें इस आपके फोन, आपके लैपटॉप पे होनी चाहिए, है ना। और आप नोट्स वगैरह अपने खुद भी बनाया करें, कॉपी पेन लेकर जब तक आप बैठोगे नहीं तब तक एक फील नहीं आएगा क्लासरूम का, एक एनवायरमेंट नहीं बनेगा, तो आपकी पढ़ाई भी नहीं हो सकती, है ना। घर का ही वो कोना चूज करें जहां पर वॉल्यूम कम हो, लोगों की आसपास की सराउंडिंग की आवाजें कम हो और आपका नेट का कनेक्शन अच्छा हो, वहां पर एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाए और बिल्कुल जैसे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो वैसे ही आप बैठे, है ना। यही एक तरीका है, इसे बोलते हैं डिसिप्लिन और रेगुलरिटी। अगर ये दोनों चीजें हैं तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे आप लोग, है ना। मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस कहता है, पिछले 5-6 साल का, कि जो बच्चा रेगुलर रहता है और मतलब जो टीचर्स को फॉलो करता है ना, जो भी आपके टीचर जो आपको कह रहे हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, जो भी है ना, तो उनको अगर आप फॉलो करोगे उनकी बातों को, तो आप जो है लाइफ में काफी उन्नति करोगे, ठीक है जी। पहला देख लेते हैं अपन, पहला घर्षण द्वारा,
ठीक है, तो घर्षण द्वारा में दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है, और ये विधि कौन सी होती है? घर्षण विधि होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तथा दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अब रगड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और दूसरी ग्रहण करेगी। मैंने कल ही कहा था, जो अपना प्रीवियस लेक्चर था, कि त्याग और ग्रहण सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का हो सकता है। यहां पर देखिए, एक जनिया इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और दूसरा ग्रहण कर लेगा। और बेस्ट चीज ये कि कुचालकों को इस विधि द्वारा आवेशित किया जाता है। कुचालक जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो, जैसे लकड़ी है ना, जैसे कांच, जैसे प्लास्टिक, ये सारी चीजें क्या है? कुचालक है। कोई जैसे करंट वगैरह नॉर्मली कहीं झटका लगता है तो लोग क्या कहते हैं, भाई साहब अरे लकड़ी लाओ कोई सूखी। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता, ये चार्ज, और आवेश का प्रवाह ही करंट होता है, धारा होता है। आपने सुना होगा धारा क्या होता है जी? धारा होता है आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर। और धारा को ही बोलते हैं अपन करंट, जो ये करंट जो झटके लगते हैं, ठीक है जी। तो अब आवेश प्रवाह की दर धारा है, पर कुचालकों में तो आवेश प्रवाह का हो ही नहीं रहा है, तो दर काहे की आएगी सर? दर तो जीरो आ जाएगी, इसीलिए कुचालकों में करंट नहीं फ्लो होता। यही अगर लोहे का कोई होता तो उसमें आवेश प्रवाह हो जाता और आपकी बॉडी तक चला जाता, इसलिए करंट का झटका लग जाता। तो आप समझ गए होंगे कि कुचालक का मतलब उसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। आगे देखिए, अब जब आप रगड़ोगे, जैसे कांच की छड़ आपने ली, ये कांच की छड़ है, ठीक है जी, और एक रेशम का आपने कपड़ा ले लिया, उन दोनों को लेके ऐसे रब किया काफी देर तक, है ना। तो क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा रब करोगे उनको, तो कांच की छड़ कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, यहां से इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, अभी फिर बता देता हूं कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो वो होती है धनावेशित, है नहीं। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है धनावेशित। और जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, यानी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो वो क्या होती है? वो ऋणावेशित बन जाती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेशन और इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो धनावेशन हो जाता है। तो यहां से कांच की छड़ तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, ठीक है जी, और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। सेम ऐसे बिल्ली की खाल, ठीक है जी। अब आप लोगों को पता नहीं थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बाकी एक्सपेरिमेंटल है। तो बिल्ली की जो खाल है, अगर वो प्लास्टिक की छड़ से या एबोनाइट, जो कि एक प्लास्टिक की तरह ही एक होता है मटेरियल, उसकी छड़ से अगर आप रगड़ोगे तो बिल्ली की खाल तो हो जाएगी साफ धनावेशित, और ये चीज क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। ये ऐसे है जी, ये पहले का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का है। और अगर ऊन का कपड़ा है, उसको अगर एम्बर या एबोनाइट से आप रगड़ोगे तो अम्बर या एबोनाइट तो ऋणावेशित हो जाएगा और ऊन का कपड़ा धनावेशित हो जाएगा। परीक्षा में एक नंबर में सवाल आ जाए कि अगर कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसमें होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रेशम के कपड़े में होगी। दूसरी बार आपसे पूछ ले कि अगर बिल्ली की खाल और प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी किसमें होंगी, तो बिल्ली की खाल में होंगी। या वो पूछ ले कि धनावेशित कौन होगा, तो बिल्ली की खाल होगा। ऋणावेशित कौन होगा, तो प्लास्टिक की छड़ होगी। यानी क्वेश्चंस को वो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो ऋणावेशित हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं वो धनावेशित हो जाएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि विपरीत आवेशन हो जाए। क्या होता है? विपरीत आवेशन, यानी एक को धनावेशित करोगे तो दूसरा अपने आप ऋणावेशित होगा, समान आवेश नहीं आएगा। तो कैसा आता है? विपरीत व बराबर आवेश। ये चीज भी ध्यान रखो कि भाई यहां से दो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें चल गए, इसने ग्रहण किए, भाई गए हैं तो गए कहां, तो यहां से दो गए हैं तो इसने दो ले लिए, यानी यहां पर +2e आएगा, कम हुआ है ना चार्ज,
अगर आवेश कम होता है तो प्लस आता है तो प्लस टू ही आएगा, और इस पर जो चार्ज आएगा वो माइनस टू ही आएगा, लेकिन आएगा क्या बराबर, ये भी टू ही, ये भी टू ही, लेकिन विपरीत, ये प्लस है तो ये माइनस। तो दो चीज याद रखनी, विपरीत विपरीत आवेशन होता है और विपरीत तथा बराबर आवेश जो है दोनों वस्तुओं पर आते हैं, और नॉर्मली इसको कुचालकों के लिए ही यूज करते हैं। आप चालक को अगर रगड़ोगे, देखोगे जैसे आपने दो लोहे के या कब लेके छड़ और रगड़ना शुरू किया, तो आपकी बॉडी भी क्या है वो भी इलेक्ट्रॉनों का चालन कर सकती, चालक बॉडी है, चालक बॉडी है, तभी तो करंट आता है। क्यों आता है? क्योंकि बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का फ्लाव हो सकता है, आवेश का प्रवाह हो सकता है। तो जब आप लोहे के दो चीजों को रगड़ोगे तो वो जो आवेश है वो आपके लोहे से होते हुए, अपने हाथ से होते हुए जमीन में चला जाएगा। कहने का मतलब कोई भी उस पर आवेश नहीं आएगा, लेकिन कुचालकों में आवेश फ्लो नहीं होता इसलिए वो वहीं पे रहता है। तो आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि कुचालकों को क्यों आवेशित किया जाता है। कुछ कुछ चीजें आपने देखी होगी, कई बार ऐसा आवेशन भी होता है, आप अपने सूखा जो कंघा है उससे ऐसे बाल सुबह सुबह करके देखते हो तो कुछ नीचे की चीजें जो होती है कचरा वचरा वो अट्रैक्ट हो जाता है, उस कंघे पे चिपक जाता है। कई बार अपन कार से जो है एकदम उतरते हैं, ठीक है जी, तो भी क्या होता है कई बार करंट वरंट लगता है, एकदम नॉर्मल सा कई बार किसी चीज को छूते हैं तो एकदम करंट लगता है, फिर कुछ नहीं होता। वो रीजन क्या है कि वहां पर कुछ आवेश स्थिर हो गया है और वो आपकी बॉडी से फ्लो होने लग गया, इसलिए आपको झटका महसूस हो रहा वहां पे। चलिए जी बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। डाउट्स वगैरह हो तो कॉमेंट बॉक्स खुला रहता है अपना 24x7, कभी भी करो आप। अगला आता है चालन द्वारा, चालन का मतलब वही, तो चालकों को इस विधि द्वारा आवेशित किया जा सकता है। भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन का चालन हो सकता है, जिसमें आवेश का चालन हो सकता है, जिसमें आवेश का प्रवाह हो सकता है, उसी को इस विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है साहब। तो क्या करें, तो चालकों को इस विधि द्वारा आवेशित कर सकते हैं जब दो चालकों को स्पर्श करवाया जाता है या चालक तार से जोड़ा जाता है तो आवेश का प्रवाह एक चालक से दूसरे चालक की ओर होता है। यानी आपके पास दो चालक है, मान लो ए है और ये बी है, दोनों चालक है, और इस पर मान लो कि कोई चार्ज है प्लस, इस पर कुछ नहीं है या इस पर कुछ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चार्ज जो होगा वो इससे इसमें भी आ सकता है और इससे यहाँ पे भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि कितना आवेश जो है वो फ्लो होगा, कब रुकेगा, ये सारी चीजें जो आने वाले लेक्चर में आपकी क्लियर होने वाली है बिल्कुल क्रिस्टल एकदम, ठीक है जी। तो जब भी ऐसे करो, चाहे आप ऐसे दूर रख के बीच में चालक तार रख दो, चालक तार, तो भी आवेश यहां से यहां और यहां से यहां जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, तो चालन द्वारा ये विधि ध्यान रखना, एग्जाम में आए तो ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम, है ना। थ्योरी आप कितनी लिख रहे हो वो तो है ही, अगर आप डायग्राम से चीजें समझा पा रहे हो तो बेस्ट है, मार्क्स सबसे अच्छे आते हैं, इसलिए डायग्राम को कभी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा चीजों की डेफिनेशन के साथ उनका डायग्राम भी बनाए ताकि टीचर अच्छे से समझ पाए। तो देख लीजिए जी, थोड़ा यहाँ पर ये आपका एक कोई गोला है, ठीक है, बर्फ का गोला नहीं है ये, और यहां पर इसको ऐसे रखा हुआ है ना, इसी ऐसे ही विधि को ध्यान रखना है। ये कुचालक स्टैंड है, क्या है, कुचालक स्टैंड है। कुचालक स्टैंड क्यों है, क्योंकि सर इस पर कोई आवेश होगा, मान लो मैं इस पे आवेश दे रहा हूं प्लस क्यू चार्ज इस पे है पहले से, ठीक है। तो कुचालक ये कि अगर ये चालक होगा तो ये सारा का सारा प्लस यहां से यहां जमीन में चला जाएगा, तो ये अनावेशित हो जाएगा, कहने का मतलब है ना, ये न्यूट्रल हो जाएगा कहने का मतलब है ना। अब बेसिकली अब लोगों को, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये प्लस चार्ज यहाँ जमीन में जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, प्लस चार्ज कभी फ्लो नहीं होता। होगा क्या कि जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ, है ना, कहा ऐसा जाता है कि चार्ज फ्लो हो रहा है, बस अगर रियलिटी में देखेंगे तो प्लस यहीं रहेगा, इस जमीन से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और यहां से होते हुए ऊपर जाएंगे, ऐसे जाते जाते प्लस माइनस सबको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। एक प्लस और एक माइनस का मतलब न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो हो गया, तो ऐसे न्यूट्रल कर देंगे तो इस पे चार्ज हट जाएगा, ठीक है। प्लस का कभी फ्लो नहीं होता, फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का होता है, तो प्लस को कम कर देंगे। तो ये कुचालक स्टैंड इसलिए लिया, तो अब यहां पर है, अब मैंने क्या किया, एक दूसरा गोला लाया जिसपे कोई चार्ज नहीं था, सेम वही किया उस पे भी कुचालक स्टैंड स्टैंड, ठीक है।
कोई भी चार्ज नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पहला स्टेप, ये दूसरा, तीसरे स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को आपस में टच करवा दिया है ना, ऐसे सेम ही है ना, ये ऐसा में सर ये बड़ा कैसे बन गया, ये सेम ही है, ठीक है ना। डायग्राम समझो आप, जब स्केल वगैरह से बनाओ तो बराबर अच्छे गोले बनाना, प्रकार से एग्जाम में ऐसे नहीं कि ढाबे बना के आगे, ये मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं लग नहीं रहा है, गोला बनाएगा आलू बनाया, ठीक है, क्योंकि ये तो समझाने के लिए मार्कर से चल रहा है, आप तो है ना आपके पास तो सारे टूल्स होंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो अब ये क्या करेगा, चलिए जरा सोचिए दो मिनट के लिए, है ना, दो मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, दस सेकंड के लिए सोच लो, ज्यादा है कि क्या ये प्लस इस पे चला जाएगा, अगर आपने सोचा है यस तो बिल्कुल गलत सोचा है, ये प्लस कहीं नहीं जाएगा, ये प्लस यही रहेगा, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे साहब, इस वाले से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, क्योंकि प्लस को माइनस अट्रैक्ट करता है ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो सोचो किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। अभी पिछली स्लाइड में सर ने बताया था कि कोई भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएंगे तो इसके पीछे भी प्लस आने लग जाएगा। अब देखो, अब मैं कुछ देर बाद क्या करूंगा, दोनों को अलग कर दूंगा, तो इस पर भी कुछ प्लस आ जाएगा और इस पर भी कुछ प्लस आ जाएगा चार्ज। अब देखिए कैसे सर, ये बाकी सारी चीजें वही है, कुचालक स्टैंड अभी भी अपना वैलिड है। अब देखो, शुरुआत में जितना प्लस था उतना प्लस इस पे नहीं रहा, कुछ कम हो गया। कैसे कम हो गया सर? सर देखो, पहले ना मान लेते हैं कि 10 प्लस थे, है ना, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सर इस वाले से इलेक्ट्रॉन रवाना हुए दूसरे गोले से, मान लेते हैं सर 5 इलेक्ट्रॉन आगे, तो 5 माइनस आगे साहब, ठीक है साहब, 1 2 3 4 5। अब देखो साहब, प्लस माइनस सर ये तो जीरो हो गया, सर ये भी 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 जीरो हो गया, अरे सर 5 ही बचे, ये देखो तो इस गोले पे कितने बचेंगे, मान लेते हैं कि 5। सर 5 बचे, लेकिन आपने तो कहा कि आवेश तो संरक्षित रहता है, तो भाई साहब उस गोले से भी तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन उस गोले से निकल के आ गए, तो उस पे भी प्लस 5 आ जाएगा ना पीछे चार्ज, उस गोले से भी 5 इलेक्ट्रॉन निकल के गए थे दूसरे वाले में, यहां देखो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए थे 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए, तो पीछे 5 प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी जितनी होती है उतने प्लस आ जाते हैं। चलिए जी, अब देखिए 5 और 5 अभी भी 10 ही है कुल चार्ज, तो आवेशों का संरक्षण तो अभी भी है कि कुल चार्ज अभी भी सेम ही है या नहीं है, कुल चार्ज अभी भी 10 है, लेकिन कितना है, आधा आधा बट गया, पर जरूरी नहीं है कि हर बार आधा आधा बटे, ये मैंने लिया है कि दोनों गोले एक जैसे है तब आधा आधा बटेगा, आगे अपन देखेंगे कि कितना बचेगा, एक गोला बड़ा है दूसरा छोटा है तो जो है आवेश अलग अलग भी हो सकता है, और तब तक होता है जब तक इनका विभव समान नहीं हो जाए, इसके बारे में फर्दर मैं डिस्कस करूंगा जब मैं धारिता वगैरह आपको पढ़ाऊंगा, पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, अपनी कॉपी में लिख दो कि धारिता में इसको फिर से डिस्कस करेंगे सर, है ना, ताकि आप जब भी रिवीजन करो तो आप ये चीज देख के आओ। मैं कहूंगा कि अब धारिता चैप्टर शुरू हो गया है, आवेशों का धारण वाला चैप्टर शुरू हो गया है, तब आपको बोलूंगा कि थोड़ा रिवीजन करके आना, तो आप ये चीजें रिवाइज करके आओगे। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई थिंक चालक वाली चीज क्लियर हो गई होगी, तो पहले एक आपको चालक गोला लेना है, उसके बाद एक दूसरा जिसपे आपको चालक गोला लेना है लेकिन अनावेशित है, कैसा है ये, अनावेशित है, अनावेशित है, फिर दोनों को क्या कर देना है, टच करवा देना है और फिर वापस अलग कर देना है, तो दोनों पे यहां पर एक चीज जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो क्या आया है, यहां पर समान प्रकृति का आवेश आया है, घर्षण में विपरीत आया था लेकिन इसमें क्या आया है, समान प्रकृति का आवेश। ऐसी चीजें कंपटीशन में पूछी जाती है कि भाई चालन से किस प्रकृति का आवेश आएगा, तो चालन से हमेशा समान प्रकृति का आवेश होगा, ये प्लस था तो ये प्लस ही हुआ है, लेकिन घर्षण में एक प्लस हुआ दूसरा माइनस हो गया था, ठीक है जी। अगले बढ़ते हैं, अब तीसरा प्रेरण द्वारा बिना स्पर्श करवाए किसी वस्तु को आवेशित करना, मुख्यतः चालकों को इस विधि द्वारा आवेशित करते हैं, प्रेरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन,
अरे वही इंडक्शन जो आपने सुना है, इंडक्शन में मतलब क्या टच नहीं होता है ना, चाय टच तो थोड़ी हो रही है, पानी थोड़ी टच हो रहा है, लेकिन फिर भी गर्म हो रहा है वो। इंडक्शन ही नियम ही है इंडक्शन का कि टच नहीं हो रहा। कैसे, आप विधि को समझिए, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, स्टेप को ध्यान रखिए, फिर आप अगर बुक से देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आपके पास कोई भी एक ऐसे चालक गोला है, वही सारी चीजें यही है। बार बार इस चीजों के इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं कि यहाँ पर कुचालक स्टैंड है। क्यों कुचालक क्यों है, क्योंकि धरती से कोई भी इलेक्ट्रॉन, मान लो इस पे माइनस चार्ज है, अब देखो अब क्या धरती से इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास, नहीं, इस बार तो माइनस है, तो माइनस खुद धरती में जा सकता है, तो जितना माइनस धरती में जाएगा उतना माइनस यहाँ कम हो जाएगा। पिछली बार तो प्लस था इसलिए प्लस नहीं गया, अंदर से इलेक्ट्रॉन आए थे। चलिए जी, ये कुचालक स्टैंड है, ऐसे ही स्टेप्स को ध्यान रखना है। और ये आपके पास कोई चालक गोला है जिसपे माइनस आवेश दे रखा है आपने, ठीक है। और दूसरा आपके पास कोई ऐसा ही सेम चालक गोला है जिस पर कोई आवेश नहीं है, वही कुचालक स्टैंड है, ठीक है जी। ये कुचालक स्टैंड है, बिल्कुल टकटकी लगा के देखना है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसके पास लेके आ रहा हूं, ठीक है जी, इस वाले को इसके पास लेके आ रहा हूं। पहला स्टेप तो ये था, ये रखा और ये रखा। सेकंड स्टेप में क्या किया मैं, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड में क्या किया, पास लाया, पास लाया। तो देखो सर गोला छोटा हो गया, अरे भाई वो स्क्रीन की वजह से हुआ है ना, टेंशन ना ले। तो ये माइनस और अब ये कुछ नहीं है जी, ये कुछ नहीं है, लेकिन क्या होगा जब ये पास आएगा, मैंने कहा बिना स्पर्श करवाए, स्पर्श कराओगे तो चालन हो जाएगा, फिर तो हो ही जाएगा, बगैर स्पर्श करवाए तो आप क्या देखोगे कि जैसे क्लास के अंदर आपके पास कोई अच्छी चीज है, ठीक है, तो आपके कुछ दोस्त आपके पास आएंगे, ठीक है, कह रहे यार क्या अच्छी चीज लेके आया, लेकिन आपसे अच्छी कोई और बच्चा लेके आ जाए तो सारे बच्चे भग जाएंगे उसके पास, आप रह जाओगे अकेले। तो ये क्या है, ये नेगेटिव चीज है। अब यहां पर क्या होगा कि नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, कौन आकर्षित करता है, नेगेटिव को आकर्षित करता है सर प्लस पॉजिटिव, तो सारे के सारे पॉजिटिव यहां आके बैठ जाएंगे, ठक ठक ठक। पहले तो क्या था, पहले ऐसे थे, समझिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से थे। अब क्या हुआ, सारे के सारे पॉजिटिव यहां चले गए, बेचारे नेगेटिव यहीं रह गए, है ना, जिसने अच्छी चीज लाया था वो यहीं रह गया, क्योंकि इनको अच्छा लगता है, प्लस वालों को माइनस अच्छा लगता है, तो सारे के सारे क्योंकि माइनस था तो यहां से भग के यहाँ चले गए, तो यहाँ सारे माइनस अकेले रह गए बेचारे। अब मैंने देखा यार ये अकेले हैं, तो अब इनका जुड़ाव काफी हो गया, प्लस माइनस में आकर्षण होता है, तो ये इनको बहुत अच्छे से आकर्षित करके बांध लेंगे, ये बहुत अच्छी चीज लाया है कि अब आपके पास आने के चांसेस बहुत कम है। अब मैंने क्या किया, तीसरा स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, ये गोला ए है, ये बी है, ये गोला ए है और ये बी है, नाम दे देता हूं। तो बी को भूमि से स्पर्श करवाया, इसको बोलते हैं अर्थिंग, अर्थिंग करवा दी। अब क्या किया, तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इस तरह से, है ना, चलो ये नई जो है स्क्रीन ले लेता हूँ, आई थिंक यहाँ पर आपको ठीक है जी, जस्ट वेट। ठीक है, तो दो स्टेप हो गए थे, तीसरा स्टेप में मैंने क्या किया, ये वाला तो ऐसे ही था, ध्यान से देखिए इसको तभी प्रेरण समझ में आएगा, ये माइनस 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 यहाँ पे पड़ा था, ठीक है जी। अब ये इसके पास आया था तो यहाँ पे प्लस 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 आ गया और यहाँ पर माइनस 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 रह गया, ये वाला जो है अपना दूसरा स्टेप था यहाँ पर। अब देखिए तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, इसको भूमिगत कर दिया, है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 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 माइनस, एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको जो है रहना हमारे साथ बन के, ठीक है। तो अब ये
प्लस प्लस तो यहां, ये माइनस 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 यहां, और इसको मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ का ये साइन होता है कि ये अब यह क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन जमीन में चले गए इधर वाले, लेकिन ये क्या था कि इससे बंधे हुए रह गए, है ना, ये इसके पास थे तो इनको कहीं नहीं जाने दिया, तो यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन थे ये जमीन में चले गए। तो अब इसके पास क्या बचा, तो सर अब इसके पास ये बचा, ये बोला ये माइनस 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 माइनस, यहां पर ये वाला कुचालक स्टैंड, और अगर ये सर ये गोला बचा है जिसके पास सिर्फ ये प्लस बचे हैं। अब मैंने क्या किया, इसको हटा लिया, ये तीसरा स्टेप। अब चौथे स्टेप में मैंने क्या किया, ए बी है ना, ए ये बी, ये ए और ये बी। अब चौथे में मैंने क्या किया, इस ए को हटा लिया, ए को हटा दिया। इसके मेरे पास नोट्स भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे नोट्स दूंगा कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, बट यहां पर चीजों को समझाना पहले जरूरी। पीपीटी और लेक्चर का मतलब होता है कि आप चीजें समझ लो, और नोट्स का ये मतलब है कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, तो वो भी आपके पास तरीका है और मैं आपको वो बता दूंगा कि कैसे लिखना है। वो नोट्स भी आपको मेन टाइम में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और चीजों को जब तक समझोगे नहीं फिजिक्स तब तक समझ में नहीं आएगी। अगर ये स्टेप समझ लिए, डायग्राम समझ लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हर बच्चा एग्जाम में लिख पाएगा कैसे करते हैं प्रेरण। अब ए को मैंने हटा लिया, अब ए जैसे ही हट गया सर, तो ए तो अपना था ही इंडिविजुअल माइनस वाला, ये तो हट ही गया, कोई लेना देना ही नहीं है। और अब बी पे क्या हो गया, ये प्लस जो था वो पूरे में फैल गया, ठीक है जी। तो बी क्या हो गया, धनावेशित हो गया, और ए क्या हो गया, ये अब हटा लिया, दूर कर लिया इन दोनों को। अब ए क्या हो गया है, अपना ए तो वैसे ही रहा, बी धनावेशित हो गया, तो यहां पर भी विपरीत आवेश आए हैं। कैसे आए, विपरीत आवेश बने। समझ आ गई ये चीज कि किस तरह से प्रेरण द्वारा आवेशन करते हैं। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इस तरह से एक कुचालक जो है आपके पास गोला था, कुचालक गोला था आपके पास, है ना जी, ये वाला, और इसको एक अनावश्यक गोले के पास लेके आया, पास लेके आया तो इनके, ठीक है जी, ये वाला है ना, वो चालक में था, तो ये वाला कुचालक गोला था, इसके पास बी वाले को लेके आया, तो देखा कि ये सारे के सारे प्लस जो है माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट अपन ने देखा ब्लैक स्क्रीन पे कि वो जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, इस तरह से वो जो पॉजिटिव था वो तो उस पर फैल गया यहां पर अलग से, और नेगेटिव जो था वो इस पर रह गया था। क्यों, क्योंकि अपन ने अर्थिंग करके दोनों को अलग कर लिया था। तो ये सारी चीजें डायग्रामेटिकली आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी प्रेरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है ना, बिल्कुल ध्यान से, एक चालक लिया, दूसरा जो है वो भी चालक गोला लिया, इस पर कुछ आवेश था, इस पर कुछ नहीं था, दोनों को बिल्कुल पास लाया लेकिन टच नहीं करवाया, लेकिन इसके यहाँ पर क्योंकि ये माइनस था तो इसके इस वाले सरफेस पे, ये वाली सरफेस पे प्लस आ गया, तब ये प्लस माइनस तो बंद गए लेकिन ये वाली सरफेस, इस सरफेस पे क्या रहा, माइनस ही रहा। तो उस माइनस को मैंने अर्थ से, ये मेरा हाथ है मान लो अर्थिंग है, तो अर्थ से ऐसे अर्थ कर दिया, तो माइनस तो चला गया जमीन के अंदर, अब वो प्लस बंधा रहा। अब मैंने क्या किया, खटाक से इसको हटा दिया, तो अब बेचारे पे प्लस ही रह गया, तो प्लस पूरे पे फैल गया। दैट इज कॉल्ड प्रेरण, इसको कहते हैं इंडक्शन या प्रेरण। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि मैं मीन टाइम में अगले वीडियो में आपका डाउट्स का आपके नाम के साथ ही सॉल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है जी। अगला देखिए कूलम्ब नियम, ठीक है। तो कूलम्ब का नियम क्या होता है कि दो बिंदु तथा स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां पर एक और चीज लिख सकते हो, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जल्दी से देखिए, यहाँ पर आवेश एक Q1 है और यहाँ पर आवेश Q2 है, तो इनके मध्य जो बल लगेगा, अगर उनको r दूरी पर रख दें तो वो बल जो लगेगा F, वो आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए और स्थिर आवेश होने चाहिए। बिंदु और स्थिर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये रूल फॉलो होगा। और इसका मान आता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ,
नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ और यहीं से अपन देखेंगे कि आवेशों में कितना बल लगता है, ये चीज वापस रिपीट होगी। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा कूलाम नियम और विद्युत क्षेत्र तक भी अपन पहुंच जाएंगे। तो आई होप हमारा ये वीडियो आप लोगों को जो है बहुत पसंद आया होगा। अगर इसको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का जो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। शुरुआत का टाइम है, बिल्कुल ट्वेल्थ में आप एंट्री लिए हो तो आपको थोड़ा टफ भी लगेगा, कुछ चीजें जो ऐसे बाउंसर भी जाएगी, लेकिन वो बाउंसर का भी अपने पास तरीका है कि उसको छोड़ना है, उसको डक करना है। ठीक है, हो सकता है वो वाईडी हो जाए तो अपना तो फायदा ही है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अपन साथ है, साथ रहेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को मिलके करने वाले हैं ना, बहुत मजा आने वाला है आने वाले टॉपिक्स में। और ये बेसिक है, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बिल्कुल बिल्कुल रास्ता सिंपल है। शहर का ट्रैफिक है थोड़ा सा, मेन हाईवे पे चले जाओगे, गाड़ी दौड़ाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ट्रैफिक में थोड़ा संभल के चल लो, थोड़ा समझ लो, और जो भी डाउट्स है प्लीज बोल दिया करो, वरना डाउट अगर आपके साथ रहने लग गए तो पंगा है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।